हाय गाइस, तो आज हम बना रहे हैं कढ़ी। आपने पकौड़े वाली कढ़ी तो हज़ारों बार खाई होगी, पर आज जो कढ़ी हम बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और अलग तरीके से बनती है। इसके आगे आप पकौड़े वाली कढ़ी का स्वाद भी भूल जाइए, इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 छोटे आलू, 1 बैंगन और 1 टमाटर। इन सबको हमें काट लेना है। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम ताज़ा दही, 1 कटोरी बेसन, यहाँ पे लिए 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी अदरक। अब ये लहसुन और अदरक को हमें मिक्सी ग्राइंडर में डालना है। अब मैं डालूँ 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। अब 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें पानी, ताकि अच्छे से हम इसका पेस्ट बना लें। अभी देखिए मसाला पिसकर हमारा रेडी है। अब यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून मेथी दाना। अब ये मेथी हमारी हो चुकी है, तो मैं डाल रही हूँ सारा मसाला जो हमने अभी पीसा था। अब मसाला डालकर हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 3 से 4 मिनट तक भूनना है। अब मैंने जो सब्जियाँ काटी थी वो हमें इसमें डाल देनी है। अब ये आलू बैंगन डालकर हमें इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद भी हमें इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर चलाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब नमक मिलाकर हमें इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक इसे ढककर पकाना है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और दूसरी तरफ हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। यहाँ पे हम मैंने 1 कटोरी बेसन दूसरे बर्तन में डाल दिए और यहाँ पे जो मैंने दही लिया था ताज़ा, वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब ये सारा दही मैंने इसमें डाल दिया है, तो अब वेपर से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे हम पकौड़े वाली कढ़ी के लिए घोल बनाते हैं बेसन और दही का, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें घोल बना लेना है। अभी देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो गया, तो मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब दूसरी तरफ हमारी सब्जी पककर रेडी हो चुकी है, तो सारा बेसन का घोल जो हमने रेडी किया था उसमें पूरा डाल देना है अच्छे से। बेसन का घोल डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहें, गैस का फ्लेम मीडियम रखें। अब कढ़ी हमारी उबलने लगी, तो मैं इसमें डालूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और यहाँ पर कढ़ी को मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाना है। कढ़ी हमारी पक गई है, तो मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे हम तैयार करेंगे इसका तड़का, तो मैं इस पैन में डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हींग। हींग हमारी हो गई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बनारसी राई। बनारसी राई से तड़का लगाने पर किसी भी चीज़ का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खड़ी लाल मिर्चें। तड़का हमारा रेडी हो चुका है, तो अब ये तड़का हमें कढ़ी में मिक्स कर देना है। तो अब कढ़ी हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुकी है आपके खाने के लिए। तो बस अब इस गर्मा गर्म कढ़ी में हमने मिला देनी है ढेर सारी धनिया पत्ती, और आप इस गर्मा गर्म कढ़ी को बनाइए, खाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।